है लेकिन ठंड भी है। जैकेट पहन लो। नहीं, जैकेट छोड़ो क्योंकि फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज देख रहे हैं, आज मैं कहीं और तैयार हुआ हूं, क्योंकि मैं बताता हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने छोटे बेटे के साथ तैयार होता हूँ, तो वो हो गया हूँ। तो अब बाहर चल के बात करते हैं, ठीक है? चले जनाब, आज हो गई है 22 सितंबर, 22 सितंबर, और आज मेरी बहन की बर्थडे भी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू। और टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा है तो मैं थोड़ा सा अंदर भी हूँ शेड में, लेकिन नहीं, हम फिर भी और मजीद बाहर जाऊंगा, वहां से यहाँ, यहाँ से और मजीद बाहर। चलें जी बाहर। अच्छा, इस मौसम में आपको क्या याद आता है? जब ठंड हो और हल्की हल्की धूप निकली हो। मुझे याद, मैं अपना बताता हूँ मुझे क्या याद आता है। मुझे याद आता है कि सहन, बहुत ज्यादा किनू, और किनू छीलने, एक तरफ छिलके उसके और एक तरफ किनू की वो एक प्लेट रखी हुई है, ऊपर हल्का सा नमक, और वो बस खा रहे हैं और सब हंस रहे हैं, कोई टेंशन नहीं उस माहौल में। तो मुझे ये याद है, पता नहीं क्यों, शायद इस तरह किया हो मैंने कभी पाकिस्तान में। और वो एक होता है ना कि आपके लाशौरी निज़ाम में वो चलता रहता है प्रोसेस, तो शायद वही बात हो। तो आपके क्या आता है, जरा कमेंट्स में बताइएगा मुझे। जनाब, एक वीडियो मेरे पास आई मेरे दोस्त की, पाकिस्तान से, ठीक है? और देख के फिर मजा नहीं आया। क्यों हो रहा है ये पाकिस्तान में? कब तक होगा पाकिस्तान में ये? और नहीं, टेंशन की बात ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि अगेन मैं कोई नसीहत लेक्चर, नहीं, बस तकलीफ हो रही है कि इतना कचरा, इतना गंद सड़कों पे, घरों के आगे। मैंने फिर उससे एक बात की, मैं कहा देखो, और उसने इस पे एग्री किया और उसने कहा कि यस यू राइट, कैसा है कि इतना कचरा, इतना गंद देख के मुझे फिर एक और एक एक बात याद आई जो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते गिरे सूखे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये कचरा नहीं है, ये और मजीद मेरे हिसाब से खूबसूरती होती है मौसम चेंजिंग की, ठीक है? नया मौसम आ रहा, पुराना जा रहा है, लेकिन वो जो गंद था ना, प्लास्टिक बैग, ये वो, तो मैंने एक वाकया उससे शेयर किया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का, सीरत का, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। बड़ा खूबसूरत वाकया है जनाब, बड़ी सबक आमोज वाकया है। उसमें समझने वाली बात ये, पता है जब कुरैश के तमाम सरदारान आपस में एक हो गए और बड़े मुजालिम किए, बड़े जुल्म किए, और हर तरीके से सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें दीन की, तो पता है फिर उन्होंने क्या किया? आखिरी हरबों में से एक हरबा जो उन्होंने आखिरी निकाला, और वो उन्होंने दारुल नदवा, जो उनके एक मीटिंग पॉइंट था, वहां खड़े हुए। हाँ, एक और बात, ये दारुल नदवा और दारुल अरकम, ये क्या चीजें हैं आपको मालूम है? मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह फिर कभी। तो बहरहाल वो जब मीटिंग हुई आपस में, तो जब वो जमा हो गए, उन्होंने एक फैसला किया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से, अब अबू तालिब से भी जब रिक्वेस्ट हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपने फिर एक फैसला, उन्होंने फिर एक फैसला किया कि उनका पड़ोसी कौन है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर जो इमीडिएट पड़ोसी हैं उनसे कहा कि तुम अपने घर का सारा कचरा, जितने कचरे उठा के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे रख दो। अल्लाह, आप सोचें कि आज के माशरे में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द अल्टीमेट रिवेंज, ये फाइनल रिवेंज होता है कि हम अपने घर का कचरा उठा के दूसरे पड़ोस के घर में रख दें। और दूसरा ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब वही वही नाजिल हो रही थी पड़ोसियों के बारे में, तो मैं इस बात पे था कि शायद अल्लाह ताला हमारी मिरास के अंदर पड़ोसियों का हक रख दे, इतना हक होता है। अरब के कहावत है बड़ी मशहूर, वो कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी होता है भले वो जालिम ही क्यों ना हो। आप समझ आए, ये बात उन्होंने पॉजिटिव वे में की है कि भाई तुम जो भी हो, जालिम हो, गंदे हो, जैसे हो, पर हो तो पड़ोसी यार। तो खुदारा इस बात को समझें, कचरा ना फैलाएं प्लीज,
ये पोल्यूशन, ये चीजों पे कंट्रोल, अच्छा ये हुकूमत करे वो करे, फॉरगेट इट यार, आप अपना करें, आप अपने घर को देखें, आप क्या डिस्पोज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जबान से कितना कचरा निकालते हैं, आप अपने क्या नाम है हरकतों से कितना काम कर रहे हैं माशरे के अंदर। तो एक्टिव जरा अच्छा पॉजिटिव एक्टिविटी इस्तेमाल करें प्लीज, ठीक है जी। देखे भाई, ये तो मेरा था वादा उस अपने दोस्त से कि मैं इस मौजू पे अब वीडियो पे बात करूंगा और आज ही करूंगा इंशाल्लाह। तो भाई मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अगर नसीब मुकद्दर में हुआ तो इस पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। बहरहाल ये बहुत पुरजोर अपील थी उन भाई की कि जी आप इस पे बात करें, और भी बातें हैं कि इस मौजूआत दिए जा रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू आपका देखने का भी और चूज करने का और इस काबिल समझने का कि आप हमें मौजूआत दे रहे हैं किस पे बात करें। तो इंशाल्लाह जरूर इस पे वर्क करके बात करेंगे और टीम की तरफ से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर अच्छी सी वीडियो में और अच्छी सी जगह पे मुलाकात होगी। और क्या नाम है, हाँ नाम क्या है, डाग साहब को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक और शेयर भी करना है, कमेंट्स करना है, और पसंद माशाल्लाह आप कर रहे हैं तो उसी तरह जारी और सारी रखें। ये बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देता हूँ मैं आपको, आज मेरे एक मेहमान आ रहे हैं, उस हवाले से शाम में आएंगे, वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जुम्मा भी है कल इंशाल्लाह, तो हम जरा एंजॉय करेंगे कल, ठीक है जी। चलूं जाऊं, जाता हूं, ठीक है अब काम पे जाते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं पाकिस्तान दोस्तों के पास। मरना एक अमल है, अगर आप अपनी एक ही रूटीन में सारा दिन काम करते हैं, कई दिनों से आप एक ही रूटीन में काम कर रहे थे, जैसे हमेशा मैं इसी सीढ़ियों से उतरता हूँ ऑफिस जाने के लिए या कहीं पर भी इसी सीढ़ियों से, आज मैंने कहा ये ज़रा अपनी रूटीन को चेंज करूँ। तो जब मैं अपनी रूटीन को चेंज करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, फिर तो सीढ़ी नहीं है, ये देखें ना जी, अब यहाँ से जब मैं उतरूँगा तो फिर मरूँगा ही ना। बहरहाल ये आज हम डिस्कस करेंगे कि मरना एक अमल है और ये क्यों है डिस्कस करेंगे। अब मैं प्रॉपरली सीढ़ियों से उतरूँगा, इतनी भी रूटीन मुझे चेंज नहीं करनी। अभी आप इधर ही हैं, चले इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है कुछ रास्ते में, करते हैं आ जाए मेरे साथ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि मरना एक अमल है और इसका आगाज उस वक्त होता है कि जब आप सफ़र करना छोड़ देते हैं, किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं, अपने आप को सराहना छोड़ देते हैं, अपने इर्द गिर्द की रौनकें छोड़ देते हैं, आप रौनकों को ओढ़ना बिछोना छोड़ देते हैं, बाकी बातें इसी से रिलेटेड गाड़ी में होंगी, ठीक है आप आ जाए। मैं निकला फगट लेके उस सड़क पे, रस्ते में एक मोड़ आया, मैं अपना कैमरा मैन उतरी छोड़ आया। जी बिल्कुल जी, मैं अपना कैमरा मैन उतरी छोड़ आया हूँ और अब बाकी की बात जो है वो मैं खुद ही करूँगा, खुद भी काम करना चाहिए जी बिल्कुल। अभी मैं कहा रूटीन चेंज की भी बात की थी, और भी कुछ बात करते हैं कि आप मरने कब लग जाते हैं, जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, रंगीन कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, आप मरने लग जाते हैं जब आप अपनी अपना कोई मदद किसी से लेने के लिए अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अभी मैं गाड़ी में ये बात कर रहा था बैठने से पहले कि आप ना अपने आप को सराहना छोड़ देते हैं, अगर अपने आप को ना सराहना ना छोड़ें, अपने आप को अप्रिशिएट करना ना छोड़ें, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आप अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि आप में एनर्जी बिल्डअप रहे, मेंटेन रहे। होता क्या है कि आप जब अपने आप में पॉजिटिव काम करते हैं और अपनी अच्छी सोच के साथ काम करते हैं तो काम शायद थोड़ा सा तखीर से होता हो, लेकिन जब काम की तकमील हो जाती है ना तो फिर दिल को तसल्ली हो जाती है उससे।
तो फिर भी अगर कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा आपके किसी अच्छे काम पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आपने दिल छोटा नहीं करना। ये दुनिया जो है ना, मैं आपको बता दूँ, आम फहम बात है, आपको भी पता है कि दुनिया ने आपको जो है ना वो रिवार्ड नहीं देना, रिवार्ड देना है वो ऊपर की ज़ात ने। अब उस टॉपिक पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप मरना शुरू कर देते हैं, आप जब एहसासात उन चीज़ों के एहसासात को नहीं फील करते जो जो जिसकी वजह से आपकी आंखों में नमी आती हो, हरकतें कल तेज़ होती हो, तो जब वो आप छोड़ देते हैं वो एहसास की गर्मी को फील करना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप मरना शुरू कर देते हैं। आप मरने लगते हो जब अनजाने खतरात से बचते हो, ख्वाबों का पीछा नहीं करते। खतरा मोल लो, मंतक से बाहर निकलो, मंतक से भागो, ख्वाबों की तलाश के लिए निकलो, खुश रहो। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप कतरा कतरा अपने आप को मरने ना दो। इस उम्मीद के साथ कि हर दिन आपका अच्छा हो, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।